नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपी पीआरपीवी के द्वारा यूपीएसआई एएसआई के जो टाइपिंग टेस्ट है जो 18 तारीख से आपके स्टार्ट होना है, उससे रिलेटेड वेबसाइट पर जो डेमो टाइपिंग है वो लाइव कर दिया गया है। काफ़ी बच्चे उसको लेकर जो है जो उसके इंस्ट्रक्शन है वो समझ नहीं पा रहे हैं। टाइपिंग टेस्ट कुछ लोगों में सही से खुल रहा है, कुछ लोगों में नहीं खुल रहा है, पैनिक की स्थिति में आ गए। तो कई बच्चों ने फ़ोन करके बोला कि सर ऐसा ऐसा इशू आ रहा है, उसमें लिखा है बैक स्पेस अलाउ नहीं है। तो क्या बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा, वर्ड हाईलाइट होगा कि नहीं होगा, कंट्रोल की काम करेगी कि नहीं काम करेगी। तो इन सभी जो भी आपके सवाल हैं जो सुबह से मुझे फ़ोन कॉल के थ्रू आपको प्राप्त हुए हैं, उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं उपस्थित हुआ। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपका 18 तारीख से टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होना है। उसके लिए आपको डेमो दे दिया गया है आयोग के द्वारा कि आपका टाइपिंग का मैटर ऑलमोस्ट आप अंदाजा थोड़ा सा लगा भी सकते हो, और एक तरह से क्या रहेगा एटमॉस्फियर आपके टाइपिंग का, क्या क्या की काम करेगा, क्या क्या नहीं की कहाँ कम करेगा, वो सब आपको इस डेमो टेस्ट को देने से आपको अंदाजा मिल जाएगा। तो कुछ बच्चों ने डेमो टेस्ट दे लिया, उनको तो पता चल गया होगा, लेकिन कुछ में नहीं खुल रहा है, उनको अगर दिक्कत है तो ट्राई करते रहे, हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या समस्याएं हैं जैसे मैंने आपको बता दिया कि कितना समय मिलता है, ये इन पर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना रखा है कि आपको टाइपिंग टेस्ट में क्या कितना समय दिया जाएगा, फॉन्ट कौन सा रहेगा, कीबोर्ड कैसा मिलेगा। ठीक है, मैटर कैसे, देखो कीबोर्ड का क्या है, कुछ लोग कहते हैं कैसा मिलेगा, तो डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर। और आपका जो सेंटर है वो लखनऊ में ही बनाया गया है, तो लखनऊ पे भी जो आपके एक तरह से जो सेंटर बनाए गए हैं जो आपके इंस्टीट्यूट्स, उस पर डिपेंड करेगा ना कि उनका कीबोर्ड कैसा है। ठीक है, तो किसी को अच्छा मिलता है, कोई बोलता है अरे कीबोर्ड ठीक नहीं था, तो उसके लिए भी आपको अलग से टाइम दिया जा रहा है कि अगर कीबोर्ड आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो आप पहले चेक करके जो है एग्जामिनर को बता सकते हो कि भैया हमारे कीबोर्ड में ये प्रॉब्लम है, ऐसी दिक्कतें हैं। तो एक बार हम लोग इंस्ट्रक्शन पे चले आते हैं कि जो आपके पास इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो टाइपिंग टेस्ट में, जब आप वेबसाइट ओपन करोगे, कुछ बच्चों को अभी डायरेक्ट आप यूपीपीआरपीबी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये वही साइट की लिंक है जहां पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जो हेल्प डेस्क नंबर जहां पे होते हैं वही वाला लिंक आप जब ओपन करोगे तो आपको ये पूरा डेमो टेस्ट दिखेगा। एसआई के लिए अलग से डेमो टेस्ट है, और अकाउंट वाला का जो है आपका उसके लिए अलग है, क्योंकि उसका जो है 15 मिनट वर्ड है और हिंदी टाइपिंग है, उसमें इंग्लिश नहीं है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखना कि ये जब आप वेबसाइट डालोगे uppr.pb.simca20.onlineapplicationform.org, तो आपका जो ओपन होके आएगा वेबसाइट उसी में सबसे यहाँ पर जो है आपका लिखा हुआ है कि टाइपिंग टेस्ट एसआई एएसआई और टाइपिंग टेस्ट एएसआई जो है अकाउंटेंट। तो वहां पे आप करोगे तो मैंने आपका जैसे किया इंग्लिश वाले पर क्लिक किया, सबसे पहले इंग्लिश ही आपका आएगा। ठीक है, एएसआई और एसआई जो कॉन्फिडेंशियल और मिनिस्ट्रीज वाला है उस पर जब क्लिक करेंगे आप लोग तो सबसे पहले इंग्लिश वाला आएगा। इंग्लिश वाला खुल के आएगा तो ऐसे आपके सामने जो है इंस्ट्रक्शन आएगा, एक पेज आएगा नेम वाला आपका। ठीक है, एक आईडी आएगी लॉगिन के लिए आपका, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आईडी रहेगी, पासवर्ड रहेगा, आप कंफर्म करोगे लॉगिन करोगे, फिर एक बड़ा सा पेज ऐसे खुल के आएगा, इसमें एक फोटो सा आइकन दिखेगा, बाकी आपका नाम वाम सब कुछ दिखेगा, और यहाँ पे बोलेगा कि आप किसकी टाइपिंग दे रहे हो, एएसआई कॉन्फिडेंशियल और मिनिस्ट्रियल, इन सब चीजों का रहेगा। फिर जैसे आगे आप बढ़ोगे आई कन्फर्म करोगे, वहां पर रहेगा आई कन्फर्म। ठीक है, जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो यह आपको इंस्ट्रक्शन पेज खुल के आता है, तो उसमें आपका यहाँ पे लिखता है इंग्लिश टाइपिंग आपकी स्टार्ट होगी, 15 मिनट की होगी, और दोनों टाइपिंग के बीच में 10 मिनट का आपका क्या होगा, गैप दिया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के बाद आपका 10 मिनट 15 मिनट ये टाइपिंग चलेगी, 10 मिनट गैप होगा, फिर हिंदी की टाइपिंग आप इसकी स्टार्ट होगी। तो ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद से यहाँ बोला कि अगर टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले आपको 2 मिनट का जो है चेक करने के लिए कि आपके कीबोर्ड जो है सही की सभी कीज कीबोर्ड के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपको चेक करना है। एक कंटेंट आपको दिया जाएगा, वो आपको मैं दिखा दे रहा हूं, यहां पे हिंदी वाले मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। अच्छा, इसी पे है इसका स्क्रीनशॉट, मैं आपको यहां पे देखो ये आता है, थोड़ा सा छोटा सा आपका आएगा, लिखता है डेमो विल बी ऑटो, यहां पे ऑल कीज आर वर्किंग प्रॉपरली कि नहीं, ये मैं थोड़ा सा एक बार जूम करके दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। यहां पे लिखता है कि यहां पे आपको चेक करना है, ये सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप पहले भी
चेक करके देख सकते हो सभी कीज आपके प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ आपको देगा, इंग्लिश में भी देगा और हिंदी वाला जब होगा वहां पर भी आपको देगा। ठीक है, तो वहां आप चेक कर लेना कि आपके सभी कीज प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। दो मिनट में नहीं कर रहे हैं तो भाई आप जो एग्जामिनर है आपके हॉल में उससे आप बात करो, आपके जो कीबोर्ड है वो चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद से एनी इशू राइज डो नॉट बी इंटरटेन आफ्टर क्लिकिंग द चेक बॉक्स टू कंफर्म डेट दे हैव बी टेस्टेड द कीबोर्ड एंड इट इज वर्किंग फाइन। जब आपका आपने उस पे चेकबॉक्स पे क्लियर क्लिक कर देंगे ना तो फिर आपका कुछ भी नहीं होगा। इससे पहले ही आप चेकबॉक्स से क्लिक करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कि हाँ आपके प्रॉपर कीज चल रहे हैं कि नहीं वो सब देख लेना। इंग्लिश में 500 वर्ड आपका होगा, इंग्लिश में 500 वर्ड का पैसेज होगा, 500 वर्ड का आपका क्या होगा पैसेज दिया जाएगा और स्पीड इसमें 30 वर्ड पर मिनट आपको जरूरी है और 15 मिनट आपका क्या होगा समय होगा। ये आपको पहले भी बता रखा हूं मैं। अब यहां पे बोला गया है कि फॉलोइंग कीज विल बी डिसेबल ड्यूरिंग द टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट के समय कौन कौन सी कीज जो है आपके डिसेबल रहेगा। और कुछ बच्चे जो बैक स्पेस से लेकर काफी जो है परेशान है तो बैक स्पेस आपका काम करेगा। ठीक है, आपको बैक स्पेस कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग में कुछ बच्चे रात काते कर रहे हैं कि स्पेस दबाने के बाद क्या होता है कि आपका बैक स्पेस काम नहीं करता है वहां पर। जैसे मान लीजिए आपने कमल लिखा और यहां कमल की जगह यहां पे ली की मात्रा लगा दिया, अभी जब तक यहां पे है तो इसको आप बैक स्पेस से डिलीट करके सही कर सकते हैं। ये बाकी टाइपिंग जूनियर असिस्टेंट में ऐसी टाइपिंग में होती थी, जैसे स्पेस दबा दोगे ना तो बैक स्पेस नहीं काम करता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पे आपका क्या है कि आप कहीं भी रहो आप बैक स्पेस से आके पीछे आकर बैक स्पेस से आप वर्ड को सही कर सकते हो। मतलब लेकिन इतना टाइम ही कहां है, एक्यूरेसी जो है आपकी 85% चाहिए, हर दोनों टाइपिंग में 85% की एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, तो बैक स्पेस आपका काम करेगा, इसकी तरह नहीं है कि स्पेस दबाने के बाद आपका बैक स्पेस नहीं काम करेगा। स्पेस दबाने के बाद भी आप बैक स्पेस से लेटर को डिलीट कर सकते हो, एक एक लेटर डिलीट होगा। ठीक है, उसके बाद से आपका यहां पे जो लिखा गया है कि ये एक कीज जो है आपके कीबोर्ड के डिसेबल रहेगा, कौन कौन से एस्केप की, तो ये सब दबाना नहीं है। जो डिसेबल की है उसको जानबूझकर भी कभी दबाना मत, नहीं पता चले कुछ हो जाएगा आपके सॉफ्टवेयर में। और एक कभी जो यहां पे आपका टाइपिंग दे दोगे ना, जो सॉफ्टवेयर खुल रहा है आपका वो एक तरह से रिमोट उस पर है, वेब बेस्ड है, रिमोट वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वहां पे जो आपको मिलेगा वो भी रिमोट वेब बेस्ड होगा, वो ब्राउजर पे नहीं चलेगा, वो एक सॉफ्टवेयर पे चलेगा। ठीक है, यहां पे अभी जो टाइपिंग दे रहे हो ब्राउजर पे दे रहे हो, तो कभी कभी कंट्रोल बाहर करके ब्राउजर पे दबा दोगे तो वो काम कर जाता है, लेकिन एक्चुअली जब आप उस पे रहोगे जिस बॉक्स में आप टाइप कर रहे हो वहां कर्सर रहेगा तो वहां कोई भी इनमें से कोई कीज काम नहीं करेगा। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इतना धर लो, इसीलिए इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। कोई भी फंक्शन की आपको जो है नहीं काम करेगी, टैब नहीं काम करेगा, कैप्स नहीं काम करेगा, तो कैप्स नहीं काम करेगा। आपको अगर जो है कैपिटल लेटर लिखना है तो आप शिफ्ट के साथ यूज करोगे। ठीक है, विंडोज कीज आपकी नहीं करेगी, कंट्रोल कीज नहीं काम करेगी, आल्ट F4 नहीं करेगा, इंसर्ट नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा, डिलीट काम नहीं करेगा, बैक स्पेस काम करेगा। ठीक है, हमने पूरा टाइप करके देखा है मैटर को, तो डिलीट की जो है आपकी काम नहीं कर रही, बैक स्पेस कर रहा है, तो आप बैक स्पेस अच्छे से यूज कर सकते हो। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में टाइपिंग हुई थी ना वैसे ही है, समझ लो। आपका होम नहीं काम करेगा, एंड पेज अप पेज डाउन नहीं करेगा, कॉपी पेस्ट नहीं होगा आपका, सेलेक्ट नहीं कर सकते हो कोई भी चीज, माउस आपका नहीं काम करेगा, ये नहीं परमिशन है। ठीक है, स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट होने के बाद वहां पे आपका आएगा आई एम रेडी टू बिगिन द टेस्ट, ये सब इंस्ट्रक्शन जहां होगा उसी के जस्ट नीचे रहेगा आई एम रेडी टू बिगिन द बटन, जैसे उस पर क्लिक करोगे। और यहाँ पे और भी चीजें आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द रिमेनिंग टाइम, जो आपका रिमेनिंग टाइम होगा वो आपके राइट कॉर्नर पे आपका चलता रहेगा, कितना समय हो गया, इतना समय आपका बचा हुआ है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट विल बी ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आप जानबूझ के उसको सबमिट नहीं कर सकते हो, अपने आप वो सबमिट होगा जैसे ही आपका टाइम जो है कंप्लीट होगा। ऐसे ही वन टाइपिंग टेस्ट इज सक्सेसफुली सबमिटेड, कैंडिडेट विल बी एबल टू सी द टाइप कंटेंट ऑन द प्रीव्यू स्क्रीन। ठीक है, जो भी आपके टाइप कंटेंट होंगे यहां पे बोला है तो जा रहा है कि टाइपिंग टेस्ट में जैसे ही आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, कैंडिडेट विल बी एबल टू सी द टाइप कंटेंट ऑन द प्रीव्यू स्क्रीन, प्रीव्यू स्क्रीन पर वो टाइप कंटेंट को आप देख सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो यहां पे जो डेमो दिया गया, जब आप उसको सबमिट होता है तो वहां सिर्फ लिखता है कि आपका जो कंटेंट है, जो टाइप कंटेंट है वो सक्सेसफुली क्या हो गया, सबमिट हो गया, यही आ रहा है जो डेमो में आ रहा है, तो हो सकता है वैसा ही आपका आएगा। The candidate will have been seated in their place, will not be able allowed to leave the examination hall.
जब तक आपका पूरा प्रोसीजर नहीं हो जाता है टाइपिंग का, आपको ऐसा नहीं कि आपने टाइपिंग सबमिट हो गई तुरंत कुर्सी छोड़ के भाग खड़े हुए, ऐसा नहीं है। और भी जो उनके प्रोसीजर है जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते हैं आपको हॉल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो कौन सा वहां भागने जा रहे हो कि हॉल छोड़ के भाग जाओगे, बाकी किसी से हेल्प वेल्प लोगे, उल्टा सीधा बात बात कहीं करोगे अगल बगल से, तभी भी आपके खिलाफ एक्शन होगा। कोई भी अनफेयर मीन्स से आप कुछ भी अगर पाए जाते हो तो आपके खिलाफ क्या हो जाएगा, लीगल एक्शन किया जाएगा। अगर टाइपिंग में कोई भी अनफेयर मीन्स आप यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको बोला गया है कि क्या किया जाएगा, लीगल एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा। तो ये करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आता है, जैसे इस पर टिक करके आगे बढ़ोगे तो ये आपका टाइपिंग टेस्ट, पहले तो आपका आएगा एक कि फंस आपके जो भी कीबोर्ड है के कीज हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखो। फिर आपका जो टाइपिंग कंटेंट है ये देखो 500 वर्ड का है पैराग्राफ, ये आपके सामने आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो पैराग्राफ का कंटेंट कैसा रहेगा, स्पीड देखो स्लो हो सकती है, यहां पे अगर आपको कंटेंट दिख रहा होगा थोड़ा सा देखो ध्यान से कि किस पर है ये, ये देखो कहीं ना कहीं कोर्ट से रिलेटेड केस पे है, पुलिस वाला काम है तो पुलिस वाले में आपको कहीं ना कहीं हो सकता है सेक्शन हो गया, आईपीसी हो गया, इन सब वर्ड ब्रैकेट इन सब का यूज, डेट हो गया, देखो बीच बीच में डेट का फॉर्मेट आ गया, ऐसे बीच बीच में कहीं आपका कैपिटल लेटर लिखना है कि फैमिली कोर्ट एक्ट, तो यहां पे फैमिली कोर्ट एक्ट ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि स्मॉल में पूरा लिख दिए उठा के, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं ऐसा कंटेंट है जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो ये सब चीजें बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो वो गलती में ही काउंट होगा, एक्यूरेसी आपकी गड़बड़ होगी, ठीक है। तो कंटेंट भी इतना इजी नहीं कह सकते हो कि इजी होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको यहां से डेमो में देखने से तो यही लग रहा है कि कोर्ट से रिलेटेड कोई आपका जो है केस से रिलेटेड चीजें होंगी, पुलिस से विभाग से रिलेटेड ही चीजें होंगी। तो जब पुलिस से होगी तो ऐसे ही ब्रैकेट मिलेगा, सेक्शन मिलेंगे, डेट मिलेंगे, एक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो सब चीजें आप ध्यान रखना और इसी पे थोड़ा आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो लास्ट के दिन में। अभी देखो यहां पर जैसे ये आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये नीचे वाला पार्ट हो गया जहां आप कंटेंट टाइप करोगे, जैसे मैंने यहां पर टाइप किया कि द प्रेजेंट अपील, तो जितना लाइन हमने टाइप किया है उतना लाइन आपको यहां पे हाईलाइटेड दिख रहा है ना, ऐसा नहीं हो रहा है कि बाकी जैसे जूनियर असिस्टेंट में क्या होता है कि एक एक वर्ड हाईलाइट होता है कि आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, फिर आप इस लेटर पे हो, ऐसा ठीक है। यहां पे देखो एकदम जूम में कर दे रहा हूं, आप लोग एकदम क्लियर देख लेना कि यहां पे देखो ये पूरा कलर चेंज है, बाकी यहां पे ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहां पे बाकी सब ब्लैक है। तो जितना कंटेंट मैंने यहां पे टाइप किया है वो चीजें यहां पर देखो ब्लू कलर, मतलब आपको जो जो कंटेंट आप टाइप करते जाओगे वो आपको दिखता रहेगा कि ये आप इतना तक कंटेंट टाइप हो चुका है। अब उसमें चाहे गलत हो चाहे सही ये नहीं बताएगा वो, ठीक है। आपने ये कारा कार्डोमा लिखा है तो यहां पे KAR के जगह CAR लिख दो, चाहे जैसे ही आप इस वर्ड का दो लेटर लेते हो ना वो पूरे वर्ड को पकड़ लेता है कि आप ये टाइप कर रहे हो, मतलब इस वर्ड तक आप पहुंच गए हो, ये बताता है। आपका एक एक लेटर ये नहीं कहेगा कि आप अगर ई लिखे तो वहां पर भी जैसे ई लिखोगे तो ऐसा नहीं कि यहां पे ई पे शो करेगा चाहे ए पे शो करेगा, जैसे आपने ई ए किया वो ईस्ट को पूरा ले लेगा, मतलब यहां देख रहे हो ब्लू कलर में कर देगा, ठीक है। तो ये ऐसे बता रहा है कि आप कहां तक टाइप कर चुके हो और आगे कहां आपको टाइप करना है, ये बस आपको ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मैटर रहेगा, इस चीज को ध्यान से देख लो, ये आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि आपने क्या टाइप किया हो, कितना किया कितना नहीं, लेकिन हाँ ये नहीं बताएगा कि कौन सा वर्ड आपने गलत टाइप कर दिया, क्योंकि बैक स्पेस काम कर रहा है, नहीं तो बाकी टाइपिंग में जहां बैक स्पेस काम नहीं करता है तो मान लो आपने एम की जगह यू कर दिया तो यहां रेड सा बन के आ जाता है शायद, ठीक है। तो वहां पर आप बैक स्पेस तुरंत उसको करके U को M कर सकते हो, लेकिन यहां पे ये नहीं बताएगा क्योंकि आपको खुद देखना है कि फैमिली की स्पेलिंग सही लिखे हो या गलत लिखे हो, तो आप कहीं भी हो वहां से आके तुरंत इस पे बैक स्पेस से क्लिक करके आप सही कर सकते हो, ठीक है। तो ये चेंजेस हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो आप अभी तक सॉफ्टवेयर पे कर रहे थे जिस भी टाइपिंग पर चाहे इंडिया टाइपिंग पे, वो ये चीजें नहीं देता है, ठीक है। हाई कोर्ट की टाइपिंग जो करके आया होगा, सुप्रीम कोर्ट की टाइपिंग जो करके आया उसको पता चल रहा होगा, ऑलमोस्ट वही है यहां पर, ठीक है। चलो अब हिंदी वाले में थोड़े भर जाते हैं। हिंदी वाले मैंने जो है एएसआई मिनिस्ट्री जो आपका अकाउंटेंट वाला है उसको खोला तो उसके आपके जो निर्देश हैं आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। यहां पर मिलेगा कि आपका हाँ हिंदी 15 मिनट की टाइपिंग होगी। देखो चाहे अकाउंटेंट का हो चाहे मिनिस्ट्रियल का हो चाहे कॉन्फिडेंशियल वाला है, हिंदी की टाइपिंग 15 मिनट की है, लेकिन जो अकाउंटेंट वाले बच्चे हैं अकाउंटेंट वाले बच्चों के लिए जो मैटर होगा वो आपका कम होगा, ठीक है। यहां पर इनका स्पीड मांगा है 15 मिनट, ठीक है, 15 वर्ड पर
ठीक है। यहां पे आपकी स्पीड जो चाहिए 15 वर्ड की चाहिए, वहां पे आपको हिंदी में इंग्लिश में आपको कितनी चाहिए 30 चाहिए, यहां पे 25 शब्द प्रति मिनट, ये आपका हो गया एस आई एस आई, ठीक है। यहां पे इसको रख दो मिनिस्टीरियल, ये मिनिस्टीरियल हो गया और ये कॉन्फिडेंशियल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जो हिंदी की टाइपिंग है उसमें 400 वर्ड होगा और 25 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड चाहिए, इंग्लिश में 30 वर्ड चाहिए। लेकिन जो एएसआई अकाउंटेंट वाला है, अकाउंटेंट वाला है, समय आपका 15 मिनट ही मिलेगा, समय यहां पे भी 15 मिनट मिलेगा, समय यहां पर भी 15 मिनट मिलेगा, लेकिन यहां पे स्पीड आपकी सिर्फ 15 मिनट चाहिए, एकदम हलवा है भाई। 15 वर्ड पर मिनट जो है, ये आपको अकाउंटेंट वालों को हिंदी टाइपिंग देनी है, अकाउंटेंट वालों को इंग्लिश टाइपिंग नहीं देनी, ये क्लियर है सभी को, ठीक है। और यहां साफ साफ लिखा है यूनिकोड इंस्क्रिप्ट, आपको मैं अभी ये दिखा रहा हूं, यहां पर देखो, हाँ यहां अभी देखना, एक इमेज मैंने लिया है, साफ साफ यहां पर आता है, जब आपको आओगे हिंदी डेमो टाइपिंग टेस्ट, मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट लेआउट 2 मिनट का ये है, क्या जब आपके सभी कीज अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो यहां प्रोसीड करोगे तो वो 2 मिनट का कंटेंट ये आएगा। इसमें आप कंटेंट को ये देख सकते हो कि आपके कीज अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हिंदी में, ठीक है। वो इंग्लिश वाला था, ये हिंदी वाला है। फिर इस पे आप करोगे आई हैव चेक ऑल कीज आर वर्किंग प्रॉपरली, तब जाके आपका टाइपिंग कंटेंट आएगा, ये 2 मिनट का होगा, ये सबमिट हो जाएगा 2 मिनट बाद, ठीक है। चलो तो यहां अभी आपको हिंदी वाले में इंस्ट्रक्शन में बता दे रहा हूं क्या क्या है, और हिंदी वाले में साफ साफ लिखा भी हुआ है कि हिंदी टंकर यदि अभ्यर्थी बैक स्पेस का प्रयोग करता है तो टाइप किया गया पूरा शब्द हटा जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये बच्चे समझ नहीं पा रहे थे इस लाइन को पढ़ के, कि यहां पे सोच रहे हैं कि हिंदी में अगर हमने कोई कंटेंट टाइप किया, अगर हमने बैक स्पेस यूज किया तो वो वर्ड ही गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपने हिंदी में मान लो ये अक्षम लिखा हुआ है और अक्षम में कोई गलती हो गई है, आप एक जैसे बैक स्पेस दबाओगे तो पहले म हो जाएगा, फिर छ जाएगा, फिर इसके कहने का मतलब कि बैक स्पेस काम करेगा, आप गलत समझ गए हो इसका मतलब। आप सोच रहे हैं कि बैक स्पेस यूज किए तो हमारा वर्ड ही गायब हो जा रहा है, अरे भाई वो डिलीट उसका काम ही है डिलीट करना, तो वर्ड तो गायब होगा, यहां शब्द बोल रहा है ना, तो वही लेटर आपके जो है एक एक लेटर जो है वो डिलीट हो जाएंगे। जनरल सा जैसा बैक स्पेस काम करता है वैसे काम करेगा, एक एक वर्ड आपका जो होगा वो वहां पर, वो एक एक लेटर जो है आपका क्या होगा डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बैक स्पेस अलाउ है और प्रॉपर अलाउ है, ऐसा नहीं कि स्पेस के बाद आप नहीं कर सकते हो। आप कहीं भी रहो, आपने अगर बहुत तेजी से आपका स्पीड ज्यादा है, आपने पूरा कंटेंट टाइप कर लिया, आपके पास समय है, पढ़ रहे हो, कहीं दिखा कि गलती है, तुरंत बैक स्पेस यूज करके आप अपना एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। कौन कौन सी कुंजियां आपकी टंकर परीक्षा में अक्षम रहेंगी, मतलब नहीं काम करेंगी, वो इंग्लिश में भी लिखा था, एस्केप नहीं काम करेगा, सभी फंक्शन की नहीं करेगा, टैब कैप्स लॉक विंडोज कंट्रोल आल्ट एफ फोर इंसर्ट डिलीट नहीं काम करेगा, होम एंड पेज अप, ठीक है, माउस बटन पेज डाउन कॉपी पेस्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। टंकर के दौरान आप पेज पर जाने के सिवाय माउस का उपयोग अनुमेय नहीं किया जाएगा, टंकर परीक्षा शुरू करने के लिए आई एम रेडी टू बिगेन आपको करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ इंस्ट्रक्शन आपका वही है, ठीक है। तो यहां देख लो हिंदी का जो मैटर है, ये मैंने यहां पे मैटर जो है आपका बोला गया ना कि 200 यहां पे एएसआई वाला अकाउंटेंट वाला मैटर मैं लेके आया हूं, ठीक है। अकाउंटेंट वाला में 250 वर्ड का है और उसमें 400 वर्ड का है, तो ये 250 का मैटर है, अकाउंटेंट वाला हिंदी मैंने खोला था तो उसमें आपको ये ऐसा कुछ मैटर दिखा। कंप्यूटर एक नवीनतम तकनीक है जो ज्यादातर, ठीक है, ये तो आपका वो वाला है। यहां देखो एक कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि असम, यहां पे मैंने इतना लिखा तो ये आपको हाईलाइट हो रहा है, नीले कलर में दिख रहा है इतनी चीजें, और आपका कुछ ऐसे ही बन के आएगा, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट नाम फादर नेम एग्जाम डेट ये सब चीजें दिखेगा, और टाइम आपको यहां पर जो आपका समय बचा हुआ है वो यहां पर दिखेगा। तो यहां पर देखो, यहां पर साफ साफ लिखा है जैसे मैंने इतना टाइप किया, यहां देखो ये चीज गलत टाइप किया है, लेकिन ये गलत नहीं बता रहा है, यहां के बाद असम है ना, तो वो असम को नहीं बता रहा, वो दिख रहा है कि ये भी चीजें टाइप हो गई है, लेकिन वो गलत टाइप हुई सही टाइप हुई इसका नहीं बता रहा है। यहां देखो मैंने नागर लिखा और यहां असम लिखा हुआ है, तो दूसरे टाइपिंग में जूनियर असिस्टेंट में क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये गलत वर्ड हो गया है, तो आप वहीं पर तुरंत बिना स्पेस दबाए ही आप इसको डिलीट कर सकते हो, मतलब बैक स्पेस से करके सही कर सकते हो, यहां कोई दिक्कत नहीं। आप यहां तक पहुंच गए टाइप करते हुए और आपको लगा कि नहीं ये मैंने असम की जगह नागर लिख दिया, तो आप यहां से आकर इसको क्या कर सकते हो, बैक स्पेस का यूज करके नागर को असम कर सकते हो, ठीक है। बस ये आपको बताता है कि आप कितने वर्ड तक
टाइप करते चले गए हो, ये चीज आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कंटेंट आपके कुछ ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेंगे। इंग्लिश का कंटेंट भी मैंने दिखा दिया, हिंदी का भी दिखा दिया, तो हो सकता है हिंदी में भी आपको हो सकता है कोई सेक्शन वाला पुलिस वाला कंटेंट मिल जाए। अभी तो इसमें नहीं था लेकिन इंग्लिश वाले में था, तो आपको उसी अकॉर्डिंग अभी जो बचे हुए दिन है आपके, 18 तारीख से आपका एग्जाम होगा, ठीक है, लखनऊ में ही होगा आपका, 18 से आपकी टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट है। बोला गया था कि 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका एडमिट कार्ड भी आने वाला होगा, 15-15 तक आसपास आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जो समय बचा है भाई आपके टाइपिंग टेस्ट में, अच्छे से उसको यूज करो। आपको पता चल गया कि अब हमें कैसे करना है, जो भी सॉफ्टवेयर में ऐसे हो रहा होगा, जैसे हार्डवेयर आपका हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जो कंटेंट होते थे वो आपके ऑलमोस्ट इसी के बिहाफ पे चलता था, उसमें भी बैक स्पेस ऐसे ही अलाउ था, तो उस चीजों को आप ध्यान से रखिए। लेकिन हाँ, कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देना है कि आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वर्ड सही का आपने टाइप किया कौन सा गलत। इसलिए आपको बहुत ध्यान से हर एक एक चीज को टाइप करते हुए जाना है, और समय भी कम है आपके पास तो स्पीड भी मेंटेन करना है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि भाई एकदम जो भी चीजें करो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि उसमें फिर से हमें बार बार बैक स्पेस नहीं यूज करना पड़े। क्योंकि सही बताएं, टाइपिंग में जब जाओगे, अभी तो यहां घर बैठे हो, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहां पे टेम्परामेंट कुछ अलग ही होगा, एटमॉस्फेयर कुछ अलग होगा। तो बहुत ज्यादा ये ना सोचो कि मुझे बैक स्पेस कम मिल गया, अलाउ हो गया है, तो अरे हम सब कुछ सही कर लेंगे। आपकी स्पीड भी तो डिक्रीज होगी, तो उसको भी तो ध्यान में रखना है। तो जितना हो एक बार में ही सही करने की कोशिश करना, और जो भी आपकी दिक्कत समस्या है इससे रिलेटेड तो बता दो, वो भी सब बता दिया जाएगा। और कोई समस्याएं हैं तो, इसलिए मैंने सुबह से काफी बच्चों के फोन आए, मैं कहा जब तक मैं खुद नहीं उसको देख लेता हूं कि क्या दिक्कत है। कुछ लोगों के खाली पेज, इंट्रो वाला पेज, इंस्ट्रक्शन वाला पेज खुल रहा था, उसी को पढ़ के वो समझ नहीं पाए कि बैक स्पेस अलाउ ही नहीं है, ऐसा बोलने लगे। एक्चुअली जब कंटेंट खुला तब ये पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, आप लोग भी टाइपिंग एक बार डेमो सब लोग दे लो, ताकि आपको भी अंदाजा लग जाए कि क्या क्या चीजें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए कि ये समस्याएं हो रही हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।